हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये बहुत ही ज़्यादा मैंने बहुत बार ये अचार को यूज़ करा है, तब जाके मैं आपके पास रिव्यू करे। कम से कम ये 5 to 6 टाइम में हमारे पास ऑलरेडी हमने इसको परचेज़ कर लिया है, और ये आई थिंक 4 या 5th टाइम होगा कि हमने फिर से परचेज़ करा है ये अचार। ये है एडमी का अचार। सो अब पैकेजिंग में आपको दिखा देती हूँ। सो कुछ लोग बहुत ज़्यादा चिड़ जाते हैं कि आप पैकेजिंग क्यों दिखाते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट दिखाए। तो भाई कुछ लोगों को पैकेजिंग देखना पसंद है, तो इस वजह से दिखाती हूँ। आपको नहीं पसंद है आप स्किप कर सकते हैं और आगे डायरेक्टली जंप कर सकते हैं वीडियो में जाके कि कहाँ कहाँ से वीडियो स्टार्ट हो रहा है। सो दिखाती हूँ अंदर पैकेजिंग कैसे आती है। इनकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी आती है, और आप देख सकते हैं डायरेक्ट ब्रांड से ही आया है हमें, और ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है भाई, ये ख़रीदा हुआ है। तो फिर डायरेक्ट आप देख सकते हैं लोगों, यानी कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि डायरेक्ट उनके कंपनी से ही प्रोवाइड करते हैं वो हर यूज़र के लिए। सो अंदर देखते हैं कैसा है। तो आप देख सकते हैं इधर किस तरीके से लोग भेजते हैं, बहुत ही अच्छी पैकेजिंग के साथ भेजते हैं। और यहाँ पर ये लोग अपना पैम्पलेट भेजते हैं हर बार बेचारे। लेकिन मैंने सोचा इस बार इनका रिव्यू कर ही देती, बिकॉज इनके अचार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। एंड यू नो कि हम लोग जो भी घर से बाहर रहते हैं उनको माँ के हाथ का अचार खाना कितना पसंद है। एंड अनफॉर्चुनेटली मेरी मम्मी नहीं है इस दुनिया में, सो मुझे मम्मी की हमेशा याद आती है कि वो होती तो मैं ज़रूर उनके हाथ का अचार खाती। और सो इस वजह से चाहिए था, तो कोई बात नहीं, माँ नहीं थकिया होगा, माँ जैसा कोई ना कोई तो करेगा ज़रूर हेल्प किसी भी चीज़ में। सो ये रहा, मैं अचार आपको अंदर दिखाती हूँ कैसा है। सो आप पैकेजिंग देख सकते हैं, इन लोगों ने इसमें रख के भेजा है कि टूटे ना, और हर बार पैकेजिंग की बहुत अच्छी आई है। सो इस बार जो हमने अचार मंगाया है वो दो मंगाया है, एक तो मंगाया है दो मंगाए एक तो है ड्राई मैंगो पिकल। और आप डेफिनेटली, मैं आपको ज़रूर ज़रूर बोलूँगी, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए इनका अचार। आपको पता चलेगा कि कितना कितना टेस्टी अचार ये लोग बनाते हैं। सो ये रहा ड्राई मैंगो का पिकल है ये, और ये है लसोड़े गुंडा पिकल। ये एक्चुअली मेरे हस्बैंड को चाहिए था, सो उनके लिए ये है। सो मैं अंदर आपको ओपन करके दिखा देती हूँ कि किस तरीके का पैकेजिंग है और अंदर कैसा आता है। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली ये मुझसे खुल ही नहीं रहा, मैंने बहुत ट्राई किया, ये इतना टाइट है ना कि मैं तो नहीं खोल पाऊँगी। अब मेरे हस्बैंड आएंगे तो डेफिनेटली खोलेंगे, वही उन्हें वही बता पाएंगे भाई कैसा। लेकिन अगर हमने इतने बार परचेज़ करा है तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा होगा। और ये मैं इसका MRP बता देती हूँ, इतना हैवी है ये, इतना ज़्यादा। तो जो इसका MRP है 500 ग्राम का है, और 350 है प्राइस लिखा है, लेकिन आई थिंक 275 में मिल जाता है, सिंगल सिंगल पैक आपको आराम से मिल जाएगा। तो इससे ज़्यादा तो कुछ बताने लायक नहीं, बिकॉज मुझसे ओपन ही नहीं हो रहा। सो मैं आपको बता दूं कि इसमें ऐसा कुछ लिख गया है, गेट अ फ्री गिफ्ट बाय शेयरिंग एक्सपीरियंस, योर सेटिस्फैक्शन इज इम्पॉर्टेंट टू। तो देखिए इसकी तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे कहा गया रिव्यू कर दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन इनके प्रोडक्ट इतने बढ़िया है ना, रिव्यू की इनको ज़रूरत ही नहीं है, मुझे ऐसा फील होता है। क्योंकि इनका वाइड वेराइटी नहीं होती, वे बहुत ही बहुत सारी वेराइटी आप इनको आप ले सकते हैं इनके अमेज़ोन के लिंक पे जाके, वहाँ से आपको बहुत ही इजीली। और ट्रैवल एंड टिफ़िन पैक भी मिलता है फॉर सिंगल यूज़, लेकिन मुझे ये सब नहीं मिल पाया। तो जो मुझे पसंद है मैं सिर्फ उन्हीं का ही अचार प्रिफर करती हूँ, इतना सारे का कौन करेगा। ये रहा मेरा, फाइनली मैंने इस अचार का रिव्यू कर ही दिया, बिकॉज ये बहुत बहुत टेस्टी है। और आप ज़रूर एक बार ट्राई करिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लग रहा है खाना ये अचार खा के। सो थैंक यू सो मच।